आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, इस पर्व की आप सबको बधाई देता हूँ। आज देव दीपावली भी है, जो सामान्यतया जो पहले दीपावली आती है उसके 15 दिन के बाद ये विशेष देव दीपावली ये मनाई जाती है। आज इस अवसर पर जो दूसरा विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो पिछला लगभग एक वर्ष से गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने आप होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें, जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें, क्योंकि सामान्य जनता को भी बहुत उससे कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आखिर सबके भले के लिए सोचना होता है, तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें, सामान्य गतिविधियाँ जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और मैं भी अपील करता हूँ कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक MSP की बात है, चूँकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई स्पर्श करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी निर्णय, सार्थक निर्णय लिया जा सकता है।